told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Hey, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. The way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the... Good morning, good morning. We are walking. This is our 2-3 kilometers morning distance, and after that breakfast with pancakes. Singing song. Песенку поем друзьям. Very busy, Saha. Мокрые сандалики. Сандалики мокрые. Sandals are wet, he's saying. Какая другая Ваня? Да, вода. Как? He needs more pani. Ай-яй-яй. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Good morning everyone, कैसे हैं आप सब लोग? Hello and previous to all. तीन चार दिन मौसम मस्त था, फिर से दोबारा वही धूप, टेम्परेचर भी बढ़ गया है दोबारा से, वो चिपचिपी गर्मी, पसीने. भगवान कुछ तो रहम करो. गाड़ी वाले तो फिर भी ठीक है, बेचारे बाइक वाले, पैदल वाले, उनके लिए तो थोड़ा सोचो. आ चुके हैं मेरे फेवरेट रोड पे. समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. आज फिर मैं वही गुड़गांव और मानेसर वाले रोड पे हूँ. वेटिंग फॉर एनी एरोप्लेन. आएगा या नहीं आएगा? आता भी है तो एकदम से निकल जाता है, बिल्कुल टच होता हुआ जाता है इस रोड से. वो जा रहा है विस्तारा का फ्लाइट, अगर आपको दिख रही है. ये पूरी की पूरी जो मार्केट देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी मार्केट थी, मतलब यहाँ पे बहुत सी सेलें थी, और बट ये सारी की सारी मार्केट सील कर दी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, कहते हैं कि इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सामने बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये. सो एयरपोर्ट का कुछ आई थिंक रेडियस होता है कि उसके आसपास कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए. सो इसलिए सारे इतने बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड्स भी थे यहाँ पे, ये सब बिल्डिंग सील हुई हुई है सब. लेकिन एक चीज सोचनी चाहिए कि इनको ओपन ही क्यों नहीं दिया. अगर पहली जब दो तीन कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, अगर तभी रोक दिया जाता तो शायद ये कम से कम 100-150 दुकानें होंगी जो बंद की गई हैं, सील की गई हैं. हमारे एक्शन हमेशा लेट होता है. और ये हम आप पहुंचे हैं मंगल महादेव शंकर भगवान जी की जो बड़ी सी मूर्ति है, दिख रही है? सोल शंकर भगवान की जय. ये देखो भाई साहब, ये वही है जहाँ पे सॉलिड जाम लगा करता था गुड़गामा का. जो टोल हटने के बाद ये देखो कितनी लेन का हो गया है, मतलब लेन भी नहीं गिन सकते, इतनी सारी लेन वाला हो गया है ये. एक
याद है मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि रशिया से अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड जा रहे हैं या रशिया ने मना कर दिया काम करने के लिए. सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर रशियन ब्रांड ऑल्सो और जो उनके फ्रेंडली हैं. सो अभी रशियन प्रेसिडेंट का बिजनेस फोरम से इनविटेशन है इंडियंस के लिए कि आप वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. दे विल प्रोवाइड यू ऑल हेल्प जो भी आपको चाहिए होगी वहाँ पे. सो सबसे पहले टाटा ने वहाँ पे क्रोमा, सुना ही होगा आपने, तो क्रोमा की इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल चेन वो स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे. सो इंडियंस के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पूरा रशिया अभी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि यूरोपियन और यूएस ब्रांड वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं या ये लोग इन्होंने मना कर दिया है ड्यू टू वो इनके अगेंस्ट हुए पड़े हैं ड्यू टू यूक्रेन, आपको पता ही होगा सबको. सो इंडियन मार्केट अच्छे से, मतलब इंडियन ब्रांड अच्छे से वहाँ पे अभी, क्योंकि वहाँ पे एक तो नियर बाय भी है और अभी मार्केट में वैल्यू भी है और अच्छी खासी मार्केट है. मोस्टली तो वहाँ पे सर्दी रहती है तो अगर मैं रिटेल की गारमेंट्स की बात करूँ तो काफ़ी इंडियन ब्रांड्स भी वहाँ पे अब जाने वाले हैं जो वहाँ पे जल्दी आपको स्टोर दिख जाएंगे. ये देखो भाई साहब, इसे कहते हैं राजयोग. ये जेसीबी का राजयोग है यहाँ पे सड़कों के बीचों बीच बिल्कुल ऐसे खड़े कर दिए है ताकि आगे पीछे कोई बंदा जा ना सके. सारी गाड़ियां वेट कर रही हैं. वो बाइक वाला देखो नीचे से निकल गया. क्या करना चाहता है भाई साहब, ये कब हटाएगा यहाँ से? शायद ये हटेगी नहीं, कुछ काम चल रहा है. हाँ काम चल रहा है आगे. तो भाई साहब जी ये जेसीबी लगा दी है, आप आगे नहीं जा सकते. भाई साहब ये है वो अंडरपास जिसका अभी एक दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उद्घाटन किया है. सो अब ट्रैफिक यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे सॉलिड जाम होता था. और अंदर देखो कितनी मस्त सामने वॉल्स पे पेंटिंग की हुई है, टेक्सचर है, सीरियसली बहुत बढ़िया. लेट्स सी कहाँ निकलती है टनल. So, यहाँ पे थोड़ा सा जाम है क्योंकि यहाँ पे कट है लेफ्ट साइड में राजघाट के लिए और राइट साइड और सीधा आप नोएडा जा सकते हैं. सो इसीलिए थोड़े से लोग रुक रुक के देख रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं. देख रहे हो कितनी सुंदर वॉल पेंटिंग की हुई है टेक्सचर्स के साथ, क्या जबरदस्त लाइटिंग है. ये देखो भाई साहब है ना जबरदस्त. थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट. कभी यहाँ पे सॉलिड जाम लगा करता था, गालियां दिया करते थे लोगों को, और अब बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक. वाव, सीधा निकल रही है ये जहां पे आईपी पार्क है ना उसके सामने की तरफ, और आप सीधा आप यहां से आप नोएडा सरायकाले का जा सकते हो. सो मतलब जो एक घंटे लगता था मतलब जाम में शाम के टाइम, ये भी वर्किंग टाइम ही है 7:30-8 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास ओनली केवल और केवल ये टनल क्रॉस करके लगे केवल मैक्सिमम 5-7 मिनट बस.